नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है बलाघात या स्वराघात। आज हम जानेंगे कि बलाघात और स्वराघात क्या होते हैं और इनका कैसे प्रयोग होता है। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आप हिंदी को पढ़ने लिखने में शुद्धता ला सकें। आइए शुरू करते हैं। बलाघात या स्वराघात। बलाघात शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बल जमा आघात। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को बलाघात या स्वराघात कहते हैं। जैसे वस्त्र, वस्त्र शब्द में व पर जोर दिया गया है। मोक्ष, मोक्ष शब्द में मो पर जोर दिया गया है, यही बलाघात है। बलाघात के भेद। बलाघात के तीन भेद होते हैं, वर्ण या अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात। पहला है वर्ण या अक्षर बलाघात। जब शब्द बोलते समय किसी खास वर्ण या अक्षर पर बल या जोर दिया जाता है तो उसे वर्ण या अक्षर बलाघात कहते हैं। जैसे इंद्र, विष्णु, इन शब्दों में ई और वी वर्ण पर जोर या बल दिया गया है, इसीलिए वर्ण या अक्षर बलाघात है। दूसरा है शब्द बलाघात। वाक्य में प्रयुक्त किसी खास शब्द पर विशेष बल देने को शब्द बलाघात कहते हैं। जैसे तुम कॉलेज नहीं जाओगे, इस वाक्य में नहीं पर जोर या बल दिया गया है। तुम नहीं पढ़ोगे, इस वाक्य में नहीं पर जोर दिया गया है। इन दोनों वाक्यों में नहीं पर जोर या बल दिया गया है, इसीलिए शब्द बलाघात है। तीसरा है वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात में वाक्य पर जोर दिया जाता है। जैसे आज मैं किताब पढ़ूंगा, कल रवि ने पढ़ी थी। इसमें आज मैं किताब पढ़ूंगा वाक्य पर जोर दिया गया है, इसीलिए वाक्य बलाघात है। बलाघात या स्वराघात की पहचान। संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात होता है। यहाँ बोलने में पहले वर्ण का स्वर थोड़ा तन जाता है, जैसे पक्ष, इक्का, पत्र आदि। संयुक्त से पूर्व का ऐसा वर्ण गुरु कहलाता है। विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है, जैसे दुख। दुख शब्द में दू पर बल दिया गया है, इसीलिए बलाघात है। निसंदेह, दुशासन, प्रातःकाल आदि। आगे देखिए, ई, ऊ या री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है, जैसे हरि, मधु, समुदाय, पित्री आदि। ये बलाघात या स्वराघात है जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।